उतरौला। यूपी 40वें की मजलिस का हुआ आयोजन रविवार को उतरौला के ग्राम यादेवरिया में मरहूम नैयर हुसैन जदी एडवोकेट के 40वें की मजलिस का आयोजन उतरौला चुंगी नाका स्थित उनके आवास व्हाइट हाउस पर किया गया। मजलिस को लखनऊ से आए हुए शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने खिताब किया। मजलिस के पूर्व मौलाना जायर अब्बास, अजीम हलोरी, शुजा उतरौली, इरफान हैदर, रमजान अली ने अपने बेहतरीन कलाम पेश किए। मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि किसी की मदद और दिए गए दान आपकी नियत पर निर्भर करता है, दिखावा इस्लाम बिल्कुल पसंद नहीं करता है। उन्होंने कुरान पाक की फजीलत को बयान करते हुए कहा कि जिस तरह अल्लाह की किताब में कही गई तमाम बातें आज पूरी हो रही है, उसी तरह कुरान पाक की यह बात पूरी होगी कि दुनिया के लाख जुल्मों सितम के बावजूद मजहब इस्लाम हमेशा जिंदा और सलामत रहेगा और एक दिन सारे संसार पर छा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी दौर में कुरान के विरुद्ध दुश्मनों की कोई चाल कामयाब नहीं हुई है और इंशा अल्लाह इस बार भी नहीं होगी। बातिल किसी भी भेष में आए हक के सामने उसके कदम नहीं रुकेंगे, बस हमें मोहम्मद और आले मोहम्मद के बताए हुए रास्ते पर चलते रहना चाहिए। अंत में उन्होंने करबला के शहीदों का जिक्र किया तो हर आंखें नम हो गई। इस अवसर पर मौलाना मोहम्मद अली, फहमीद रजा, हसन मेहंदी, अली सज्जाद, रिजवानुल हसन, नासिर जैदी, हसनैन आबदी, रईस मेहंदी, अंसार हुसैन सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। पूरी दुनिया में उनकी दस में कोई मौजूद नहीं, आज उनकी औलाद में कोई मौजूद नहीं है। उसके बाद दिलचस्प जुमले लिखते हैं, वो लिखते हैं कि इनकी औलाद में से अगर कोई मौजूद। फखरपुर की आवाज़ चैनल को और पाए हर शहर की खबर सबसे पहले अपने मोबाइल पर।